क्या आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं? अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं खोया गया है या चोरी हो गया है और आप बहुत टेंशन में आ चुके हैं कि किस तरीके से अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करें, और सबसे बड़ा टेंशन तो तब होता है जब आपका एटीएम कार्ड खो जाता है और एटीएम कार्ड पे ही जो है आपका पिन नंबर लिखा होता है, तब तो आपको जो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि किस तरीके से जल्दी अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करें। अगर आप यही काम करवाने के लिए बैंक में जाइएगा ना, तो वहाँ पर जो कम से कम 8-10 दिन कम टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं खोया गया है या चोरी हो गया है तो। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करते ही आपको क्या करना है, इसको ऑल कर देना है। ऑल करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा बिना कहीं रुके। तो मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं चोरी हो गया है या खोया गया है, अगर आपके एटीएम कार्ड के पीछे जो है पिन नंबर लिखे हुए हैं, तब तो आपको बहुत ही बड़ा टेंशन हो जाता है कि कैसे जल्दी से जल्दी अपने एटीएम कार्ड को जो है ब्लॉक करें, बंद करें। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना बैंक जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना साइबर कैफे जाए, बिना दुकान में जाए, आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप बहुत ही आसानी से अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊँगा जिससे आप बहुत ही आसानी से जल्दी आप जो है एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करना है, आपको कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है SBI और यहाँ पे आ गया SBI। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है पर्सनल बैंकिंग लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको इस साइड में कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड या कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आया हो, वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है तो आपके उसी मोबाइल पे आएगा जो बैंक से आपका लिंक हुआ है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ई सर्विस है, इस पर कर्सर जैसे रखिएगा तो यहाँ ATM कार्ड सर्विस है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते हैं, अगर आपका जो है ATM खो गया है या चोरी हो गया है तो उसको आप कैसे ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ ब्लॉक ATM कार्ड है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर आ चुका है, यहाँ पे अकाउंट टाइप और यहाँ पे ब्रांच, तो यहाँ कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ATM कार्ड नंबर आ चुका है, कार्ड होल्डर का नाम और यहाँ पर जो है क्या है इसका स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको जो है अगर ATM कार्ड को ब्लॉक करना है, आपका कार्ड जो लॉस हो चुका है, चोरी हो चुका है, कहीं गुम हो चुका है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पे जो है कार्ड नंबर आ चुका है। अब आपका जो है जो ATM है उसको आप क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे रीजन चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्सर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉस हो चुका है, स्टोलन हो चुका है या कहीं आप जो है ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, कहीं जो है गुम हो चुका है, तो आपका जो है क्या हुआ है वो आपको रीजन इसमें से चूज कर लेना है। जैसे अगर आपका लॉस हो चुका है तो आपको यहाँ पर लॉस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिमार्क कुछ डाल देना है कि आप जो है ATM कार्ड को क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर सबमिट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपका ATM परमानेंटली यहाँ से जो है ब्लॉक हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अगर आपका हरा चुका है या चोरी हो चुका है या कहीं गुम हो चुका है तो कोई भी पर्सन जो है आपका ATM जो है अगर उठाता है और आप जो है अपने ATM के पीछे पिन नंबर भी लिख चुके हैं तो आपको टेंशन है, तो आप जो है बिना बैंक जाए आप जल्दी से आप जो है ये ऑप्शन जो अपना के आप तुरंत अपने ATM को जो है ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन जो चोरी कर लिया है या आपका हरा गया है, अगर कोई ले लिया है तो उसका जो है कोई भी पर्सन मिसयूज नहीं कर पाएगा। यहाँ से सबमिट करने के बाद जो है ये परमानेंटली बंद
हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है। सो गाइस आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका एटीएम जो है गुम हो गया है, चोरी हो गया है, तो आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से घर बैठे बिना बैंक के चक्कर लगाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, अपने जो है एटीएम को बहुत ही ईजी तरीके से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।